कितना पाद मारते हो शिवगामी, कटप्पा चुप कर वरना मार के तेरा मुंह फोड़ दूंगा। नो 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 नो, अरे आखिर तू कितना पाद मारेगी शिवगामी। मैं तो परेशान हो चुका हूँ, अगर अब तूने पाद मारा तो बिल्ला हलवाई की कसम हाजमोला खिला खिला के मारूंगा। दम मैं तो पाद के दिखा। बहन डर गई। दोस्तों ये वीडियो केवल मजाक है, प्लीज इसे दिल पे मत लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। इतने बड़े हो गए हो, बच्चों के साथ गुल्ली डंडा खेलते हो, शर्म आती तुम्हें? ए चल हट जा आगे से। रानी साहिबा मैं इसके लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। अरे बकलोल चल इधर आ। रानी साहिबा ये मेरी गर्लफ्रेंड का बेटा है। क्या गर्लफ्रेंड का बेटा? हाँ रानी साहिबा, इसकी मम्मी बचपन में मेरी गर्लफ्रेंड थी, पर बड़ी होकर उसने इसके बाप से शादी कर ली, पर उस बेचारे में विटामिन की कमी थी। अरे पर तुम दोनों बच्चों के साथ गुल्ली डंडा क्यों खेल रहे थे, ये तुमने बताया ही नहीं। हाँ हाँ हमें भी जानना है। अरे बताया तो, इसके बाप में विटामिन की कमी थी। बाप में विटामिन की कमी थी तो ये गुल्ली डंडा खेलेगा? आप कितनी भोली है रानी साहिबा, इसके बाप के अंदर विटामिन की कमी थी तो इस बेचारे के अंदर भी विटामिन की कमी हो गई। तो क्या है बच्चों के साथ गुल्ली डंडा खेलेगा? लगता है आप समझे नहीं रानी साहिबा, इसका वो छोटा है। छोटा? प्यारी समझ गई। ठीक है ये लोना। क्या छोटा है इसका? इसका दिमाग रानी साहिबा, ये बेचारा बड़ा तो हो गया है पर इसका दिमाग आज भी बच्चों जैसा है। ऐसा लगा मेरा मजाक। ए शिवगामी कब तक फुसफुस करके पाद मारेगी, आजा तेरे को हाजमोला खिलाऊ और तू जोर से पाद मारे और बोले आई लव यू। आई एम वेटिंग डार्लिंग। लगता है इसको शायरी सुनानी ही पड़ेगी। जोर से हिला के पेड़ को पेड़ झाड़ दूंगी और तेल लगा के सरसों का तेरी फाड़ दूंगी।